ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਦੁਬਈ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨਪਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਨੂਹਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਮਤਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਰਵੀਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੋਤਰੇ ਅੰਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਧਰਮੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਗਵਾਈ।
आज की ये शोक सभा पंडित वेद प्रकाश तिवारी जी शास्त्री जी के निमित्त हो रही है। उनके जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन मैं करना चाहता हूं। वैसे तो सभी उनको जानते ही थे। तिवारी जी का जन्म 1926 में रुड़का कला डिस्ट्रिक्ट जलंधर में श्री वीरू राम जी के घर पर हुआ। 1955 में द्वाबा आर्या हाई स्कूल नूर महल में उन्होंने अध्यापन का प्रारंभ किया, अध्यापन कराना। उसके बाद 1962 में गवर्नमेंट जॉब लग गई और 1962 में वो लुधियाना में आ गए और गवर्नमेंट में पर्पज में 1987 तक अपने रिटायरमेंट तक वहां पे पढ़ाते रहे। शास्त्री जी के जीवन संगनी के रूप में शांति देवी जी से 1948 में उनकी शादी हुई और उनके घर जीवन जी, सुभाष जी, अश्विनी जी, विजय जी और नरेंद्र जी पांच बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। सारे भाई अपने अपने क्षेत्र में उनके दिखाए मार्गदर्शन के कारण जब शास्त्री जी लुधियाना आए तो हमारे दादाजी के परम मित्र थे, उनके पास आके रहे। 1966 में उन्होंने जनकपुरी में जहाँ पे उनका निवास स्थान है यहाँ पे अपने परिवार समेत आकर रहने लगे और यहाँ रहते हुए भी गुरु अंगद देव सुधार सभा बनी जिसके उपाध्यक्ष बने और अनगिनत फैसले उन्होंने करवा दिए। उनकी एक खूबी थी, ना डरते थे ना झिझकते थे, साफ स्पष्ट वादी थे, धर्म अनुसार अपना कोई भी फैसला देते थे। तो उसके बाद गणेश मंदिर गणेश नगर में बना, उसके सरप्रस्त रहे, उसको बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। हम छोटे छोटे थे तो मन में एक विचार आया कि चिम्मा चौक पे अपने इंडस्ट्रियल एरिया में शोक सभा बैठे मेरी माता और बहनों भाव शास्त्री के जीवन के बारे शर्मा जी दस रहे थे और मैं समझना कि जनकपुरी के बीच जब का मैं आया ये बात चाहे तो मैं इस बात चाहा सानू पिता वर्गा प्यार दिता और मैं नहीं समझना कि ऐसा कोई परिवार होगा जिसे ब्याह शादी हो गए तो पंडित जी को ना आया वो पूछने वास्ते और मेरा कलंदिया कुंडलियाँ जड़ियाँ पंडित जी के हथा दिया बनिया सन। सो ऐसा उन्होंने हर परिवार के बीच करता और परम पिता परमात्मा की अरदास करना कि ऐसी विशिष्ट आत्मा अपने चरणों च निवास करे और पिछले परिवार उन्होंने बच्चे उन्होंने बहुआ पोते पोतिया ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। आज भी इस तिलांजलि समारोह कह लीजिए, पुष्पांजलि समारोह कह लीजिए या श्रद्धांजलि समारोह कह लीजिए, उपस्थित मातृशक्ति मेरे हीरो दोस्तों मैं माफी चाहवांगा इन्हां कोलों। इन्होंने एक गल कही कि 1955 दे विच पंडित जी ने आज्ञा स्कूल सर्विस की। मैं 1950 तो 1956 तक रहा आज्ञा स्कूल दे विच। 1950 दे विच पंडित वेद प्रकाश जी सानू पढ़ाते हुंदे सन। 1955 दे विच मैट्रिक मतलब जैन साहब भी चले।
हेडमास्टर चले गए नवे आ गए अपने शास्त्री तो थोड़ा बहुत जो स्कूल थोड़ा बहुत सहायता लैके प्रभाषक पास कर एफ बी ए कर ली प्राइवेट कॉलेज बी ए कर ली मैं क्या जी हूँ हेडमास्टर नवे आए पिंड थे हूँ तू बी एड करनी चाहना मैं कह कुछ मिल जाएगा नेड़े तेरे कि जगह नहीं मिली बी एम कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोगा दे बी एड कर लिया एम ए हिस्ट्री कर ली सैकेंड क्लास के पास हो गए सारा अज बड़े दुख की गल है कि साढ़े साढ़े बजुर्ग जिहड़े सारे समाज में सेध देने वाले इंसान सीगे जिवें पहले बोलते प्रोफेसर ने भी दस्या कि हर कोई किसी ने कोई चंगा काम करना हुंदा सी इलाके च पहला पंडित जी को जाकर सलाह लैंदे सी ते वह चंगी सलाह देंदे सी हर एक परिवार नूं हर एक बंदे नूं उन्हां दा प्यार मुहब्बत ते जिथे उन्होंने अपने परिवार का एक चंगा पालन पोषण किया बहु बीए दिवाली जी याद करती है सो मैं परम पिता परमात्मा के चरणों से अरदास करता कि साडे बजुर्गों अपने चरणों में मान स्थान बख्शे पिछे परिवार को भाणा मनने का बल बख्शे जय श्री राम श्री वेद प्रकाश जी शास्त्री मेरे बजुर्ग जब अभी बच्चों स्कूल पढ़ाए स्कूल इतने सारी गाइडेंस हमेशा देनी मीटिंग चलाना मैंबर ने बनाया और फिर जब अभी सोसायटी रजिस्टर कराई उस वे मेरा मतलब है अपने मैंबर वजो से अपना स्कूल रजिस्टर सोसायटी भी उन्होंने अभी नुमाइंदगी दी जब मैं इलेक्शन लड़ी हमेशा सब तो पहला माना प्रशीर मैं बनता मैं कदम भी जिस वे हालांकि गरुड़ पुराण की उपस्थिति में मंचस्थ विद्वत मंडल सज्जनों देवियों आज हम सभी शोक संतप्त मन से उस महान देश को उपस्थित हुए हैं। मुझसे पहले अनेक वक्ताओं ने जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु पर्यंत उनका गुणानुवाद किया है उसकी मृत्यु बटन है जो बर्तन बना है उसमें फूटना भी अवश्य है पर आदरणीय हमारे शास्त्री जी के लिए परिवार के द्वारा जो गरुड़ प्राण की कथा रखी गई हमने परिवार उनसे प्रार्थना करूंगा खड़े होके यानी सभी भाई खड़े होकर ध्यान करने में अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें क्षमा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गर्भे मंगलम मंगली काक्ष मंगलाय तमो हवे गोचर सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति इस विध दर्शितम् मायेन तस्मै
ऐसी करनी कर चलो कि हम श्री राम जय 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 राम।
छोड़ चलूं इस दुनिया को ओटों पे
कबीरा जब हम आए संसार में ये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो के हम सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलकी कहो मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरणो जस अपजस विधिहार। जिस समय दशरथ जी महाराज में आया है उसने एक ना एक दिन जरूर संसार से चले जाना है, ना कुछ लेके आया बंदे ना इस मंच के ऊपर बैठ करके मैंने और पंडित जी ने मेरे पिता समान हमारे शास्त्री जी महाराज पता नहीं कितने एक भोग डाल दिए और मुझे नहीं राजनाम पर बोलने पंडित जी आज की ये शोक सभा पंडित वेद प्रकाश तिवारी जी शास्त्री जी के निमित्त हो रही है। उनके जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन मैं करना चाहता हूं। वैसे तो सभी उनको जानते ही थे। तिवारी जी का जन्म 1926 में रुड़का कला डिस्ट्रिक्ट जलंधर में श्री वीरू राम जी के घर पर हुआ। 1955 में द्वाबा आर्या हाई स्कूल नूर महल में उन्होंने अध्यापन का प्रारंभ किया, अध्यापन कराना। उसके बाद 1962 में गवर्नमेंट जॉब लग गई और 1962 में ही वो लुधियाना में आ गए और गवर्नमेंट मनी पर्पज में 1987 तक अपने रिटायरमेंट तक वहां पे पढ़ाते रहे। शास्त्री जी के जीवन संगनी के रूप में शांति देवी जी से 1948 में उनकी शादी हुई और उनके घर जीवन जी सुभाष जी अश्विनी जी विजय जी और नरेंद्र जी पांच बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। सारे भाई अपने अपने क्षेत्र में उनके दिखाए मार्गदर्शन के कारण 1962 में जब शास्त्री जी लुधियाना आए तो हमारे दादाजी के परम मित्र थे उनके पास आके रहे। 1966 में उन्होंने जनकपुरी में जहां पे उनका निवास स्थान है यहाँ पे अपने परिवार में आकर रहने लगे और यहाँ रहते हुए भी गुरु अंगद देव सुधार सभा बनी जिसके उपाध्यक्ष बने और अनगिनत फैसले उन्होंने करवा दिए। उनकी एक खूबी थी, ना डरते थे ना झिझकते थे, साफ स्पष्ट वादी थे, धर्म अनुसार अपना कोई भी फैसला देते थे। तो उसके बाद गणेश मंदिर गणेश नगर में बना, उसके सरप्रस्त रहे, उसको बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। हम छोटे छोटे थे तो मन में एक विचार आया कि चिम्मा चौक पे अपने इंडस्ट्रियल एरिया में लायंस क्लब की तरफ से भी कई बार सम्मान प्राप्त हुए, संस्कृत के उच्च विद्वान के रूप में विख्यात रहे। कुछ दिन पहले की बात है, मैं उनको मिलने के लिए गया। एक बड़ी अजीब है, मैं उनको मिलने गया तो निंदे भाजी ने पूछा कि इनको पहचानते हो, हंस पड़े, बीमार थे,
तो उन्होंने मेरी जन्म से लेकर तब तक की सारी स्त्री दादी कहते इसको कैसे नहीं जानता। तो इतना ज्यादा अपना सचेत, इतने सचेत थे वो कि अंतिम समय तक भी उनको कोई बात ये नहीं थी। आजकल तो 70 साल की उम्र निकली, 75 की हुई, आदमी भूलना शुरू हो जाता, उसको ये नहीं पता कि मैं इसको कब मिला। लेकिन उनको हर एक बात उनकी आंखों के आगे ऐसे चलती थी जैसे भी पिक्चर निकल गई हो। तो आखिरी समय तक वो इतने सचेत रहे और उनकी जो मृत्यु हुई है वो कहते संत जैसी मृत्यु होना, किसी को तकलीफ नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, और उनको जैसे लीडरान और बुद्धिजीवी वर्ग से अपने यहाँ सज्जन आए हुए हैं, शोक संदेश जो आए हैं उनका बता दूं। सुरेंद्र डावर जी MLA लुधियाना सेंट्रल, उनकी तरफ से शोक है। अमित गुसाई जी स्पोक्समैन पंजाब BJP, वो भी यहाँ पे पधारे हैं। भागभूषण आशु MLA, उनकी तरफ से शोक संदेश आया है। देशभक्त म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से शोक संदेश आया है। चीमा चौक दशहरा कमेटी की तरफ से शोक संदेश आया है। BJP लुधियाना की तरफ से शोक सभा बैठे मेरी माता और बहनों, भाव शास्त्री से जीवन के बारे शर्मा जी दस रहे थे और मैं समझना कि जनकपुरी के जब का मैं आया ये बाढ़ चाहे तो मैं इस बाढ़ चाया सानू पिता वर्गा प्यार दिता और मैं नहीं समझना कि ऐसा कोई परिवार होगा जो ब्याह शादी हो तो पंडित जी को ना आया वो पूछने वास्ते। और मेरा कलंदियाँ कुंडलियाँ जड़ियाँ हैं पंडित जी के हथा दिया बनिया सन। सो ऐसा उन्होंने हर परिवार के उत्तर आत्मा के चरण श्रद्धा सुन भेट करता और परम पिता परमात्मा की अरदास करना कि ऐसी विशिष्ट आत्मा अपने चरण निवास करे और पिछले परिवार उन्होंने बच्चे उन्होंने बहुआ पोते पोतियां इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। आज भी इस तिलांजलि समारोह कह लीजिए, पुष्पांजलि समारोह कह लीजिए या श्रद्धांजलि समारोह कह लीजिए, उपस्थित मातृशक्ति मेरे वीरो दोस्तों, मैं माफी चाहवांगा इन्हां कोलों। इन्होंने एक गल कही कि 1955 दे विच पंडित जी ने आज्ञा स्कूल सर्विस की। मैं 1950 तो 1956 तक रहा आज्ञा स्कूल दे विच। 1950 दे विच पंडित वेद प्रकाश जी सानू पढ़ाते होंदे सन। 1955 दे विच मैट्रिक मतलब इस मैं कह जी दसो पिंड बदवा करगा जैन साहब भी चले, हेडमास्टर चले गए नवे आ अपने शास्त्री तो थोड़ा बहुत जो स्कूल थोड़ा बहुत उन्होंने सहायता लैके प्रभाषण पास कर FBA कर ली, प्राइवेट कॉलेज BA कर ली। मैं कह जी हूँ हेडमास्टर नवे आए पिंड से हूँ तू BA करनी चाहना, मैं कह जी देखो कि मिल जाएगा नेड़े तेरे कि जगह ने मिली DM कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोगा दे BA कर लिया। MA हिस्ट्री कर ली सैकंड क्लास के पास हो गए सारा कॉलेज डिस्क टेस्ट के उत्ते मेरे दोस्त जो क्लास फैलो सके डेस्क पर बैठ गए बैंक की बजाए तो सानू संस्कृत पढ़ाते होंगे तो मैं कि लफ्ज कहता उच्च शिखरे तो भी तो कह तू सू कान किया बजुर्ग जिहड़े सारे समाज में सेध देने वाले इंसान सीगे जिवें पहले बोलदे प्रोफेसर ने भी दस्या कि हर कोई किसी ने कोई चंगा काम करना हुंदा सी इलाके पहला पंडित जी को जाकर सलाह लेते थे तो वह चंगी सलाह देंगे जी हर एक परिवार को हर एक बंदे उन्होंने प्यार मुहब्बत तो जिते उन्होंने अपने परिवार का एक चंगा पालन पोषण किया बहु बीजे दुआली जी
याद करती है। सो मैं परम पिता परमात्मा के चरणों से अरदास करदा कि साडे बजुर्गों अपने चरणों से मान स्थान बख्शे, पिछे परिवार को भाणा मनने का बल बख्शे। जय श्री राम। श्री मेल प्रकाश जी शास्त्री मेरे बजुर्ग विद्यालय से बच्चों के स्कूल पढ़ाने में मंगल देव स्कूल इतने सारे गाइडेंस हमारे साथ हमेशा रहेंगे। खाने मीटिंग जो है ना सिर्फ एक एक्टर मेंबर ने बनाया और फिर जब अभी सोसाइटी जिससे कराई उस वे मेरा नी मतलब है अपने मैंबर वजो से अपना स्कूल रजिस्टर सोसायटी भी उन्होंने अभी नुमाइंदगी दी। जब मैं इलेक्शन लड़ी हमेशा सब तो पहला माना मुझे शीर में बनता है मैं कदे भी जिस वे हालांकि गरड़ पुराण की उपस्थिति में मंचस्थ विद्वत मंडल सज्जनों देवियों, आज हम सभी शोक संतप्त मन से उस महान देश को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझसे पहले अनेक वक्ताओं ने जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु पर्यंत उनका गुणानुवाद किया है, उसकी मृत्यु बटन है, जो बर्तन बना है उसमें फूटना भी अवश्य है। पर मंगलाय स्तनु हरे, आदरणीय हमारे शास्त्री जी के लिए परिवार के द्वारा जो गरुड़ प्राण की कथा रखी गई, अपने परिवार से प्रार्थना करूंगा भी खड़े होके यानी सभी भाई खड़े होकर कथा सुनने में ध्यान करने में अगर हमसे भी गलती होगी तो हमें क्षमा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गर्भे मंगलम नरी काक्ष मंगलाय तमु हरे गोचर सबके प्राण पति स्वामी Gracias.